के जन्म उनका बर्थ कैसे हुआ yes. था hmm. हज़रत मरियम सलाम, उनके वालिद और फिर उसके बाद उनकी जो वालिदा हैं उनका भी ज़िक्र कुरान में है एंड yes. वो पूरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमें सुरतुलरान की आयत बता रही हैं एंड बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं एंड जैसे उन्होंने बताया था कि जो चालीस आयतें हैं वो सारी की सारी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा हज़रत चलेगात ईसी के बारे में तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अब बड़े मज़े की एक इवेंट डिस्कस होने लगा कल्लम दखलाहा महराब जब कभी भी जकरिया महराब में दाखिल होते यानी वो एक महराब नुमा हुजरा बना था जहाँ हज़रत मरीम इबादत करती थी तो उनके टीचर के तौर पर ये खालू भी लगते थे और एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा था और पैगंबर भी जब कभी वह दाखिल होते महराब में जद आंद रिजा तो वहां पर वो रिस्क पाते अल्लाह वो रिस्क एक गैर मामूली रिस्क ये नहीं है कोई आके नजराना चढ़ा के चला जाता था वरना तो हजर को पता होता कि यार ये तो फला दे गया है बेमौसमी फल भी होते मौसम वाले भी बड़े जबरदस्त किस्म का फ्रूट जो लगता नहीं था कि वो करीब से आ सकता है तो हजरत जक्रियालाम ने उनसे पूछा काला या मर अन्ना लकी हादा मरियम ये कहाँ से तेरे लिए ये इतना फ्रूट आ जाता है ऐसा रिस्क आ जाता है आप जरा पीरी मरीदी के रिश्ते में जरा देखें इसको पीर हैं हजरत जक्रिया और दुनिया के बनाए हुए पीर नहीं अल्लाह के बनाए हुए पैगंबर और शागिर्द भी कोई आम नहीं है सईदा मरियम है और पीर अपने मुरीद से मुरीदनी से या अपने स्टूडेंट से पूछ रहा है कि ये तेरे ऊपर जो इतना करम है ख़ास बेमौसमी फल हैं ये कहाँ से आ गए आपके पाकिस्तान के मुरीद होते तो कहते हज़ूर तो आड़ी निगाह मुर्शिद है हाँ क्योंकि ये तसवु की लाइन में अल्लाह का नाम यूज होता है बाकी फनाफी शेख में ही ख़त्म हो जाता है बंदा फनाफ अल्लाह तक नहीं पहुंचता। कुरान में तो फनाफी शेख का ता, कोई ताल्लुक ही नहीं कुरान के साथ कुरान में रसूल की या खलीफा की बैत है और वह भी मशरूत है अल्लाह के साथ रसुल्ला ने भी बैत ली ना हदैबिया के मौका पर तो सुरह फत में आया कि नबी है जो तुमसे बैत तुम ले रहे हो ना जिनकी ये इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है और सूर तोबा में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने मोमन की जाने और माल जन्नत के बदले में खरीद ली है ऐसी बैत पर खुशियां मनाओ बैत कहते हैं बेचने को बाय लफ्ज इस्तेमाल होता है इंसान किसी इंसान के आगे अपने आप को नहीं बेच सकता सिर्फ अल्लाह ही है जिसके सामने आप बेच सकते हैं पैगंबर भी ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड आपसे बैत लेता है या तो कहते हैं नहीं पहले फनाफी शेख होता है फिर फनाफी रसूल होता है फिर ये होता है फल ये, होता है, ये होता है, करते करते कि तक ले जाते हैं वह फनाफी शेख में ही मर जाते हैं तो यहाँ पे शेख पूछ रहा है तो वो मरीज ये नहीं कह रहा कि हजूर निगाह मुर्शिद है हजूर आपकी सारी बरकतें हैं आपकी फैज़ है नहीं जवाब जो है वो बड़ा अजीब है वैसे कुरान सुन्नत की जो डॉक्टर है उसमें बिल्कुल यही जवाब देना चाहिए चाहे पैगम्बर भी सामने मौजूद हो ना तो यही कहना चाहिए कि यह अल्लाह का फजल है अल्लाह की तरफ से आता है हिसाब। बेशक जिसे चाहता है बगैर हिसाब किताब के रिस खता फरमा देता है अब यहाँ तो होना चाहिए था भी तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है मैं नहीं अल्लाह को मानता तो मुझे बता रही है कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ ही आंदा है सारा कुछ अल्लाह ही करता है पर कुछ साढ़ा भी नज़र है ना फैज़ है न साढ़े ही सदके तुम खा रहे हो ना सदके सदके सब दिस, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बीमारियां ने कुरान में ये चीज़ नहीं है कुरान बिल्कुल वाज़ है अपने अकायद और नज़रियात के अंदर और नबील इस्लाम की अगर ज़िंदगी आप देखें तो वो तो आपको इस मामले में बहुत सेंसिटिविटी का लेवल नज़र आएगा सही मुस्लिम हदीस है किताबुलजुम चैप्टर में जुम्मे वाले चैप्टर में नबील इस्लाम के सामने एक सहाबी ने खुतबा देते हुए कहा मई तो व रसूलहु फ़कत रश जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इतात करे वो कामयाब हो गया वह मैं यास हिमा फ़दत गवा और जिसने इन दोनों की नाफरमानी की वो गुमराह हो गया मेरे भाइयों इस जुमले में ना तो कोई लिटरेचर की खराबी है ना ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि बात इससे स्टार्ट हुई है जो अल्लाह और उसके रसूल की इतात करे वो कामयाब हो गया जो इन दोनों की नाफ़रमानी करे वह नाकाम हो गया कोई खराबी इसमें नहीं है लिटरेचर की लेकिन नबीस्लाम को इतना गुस्सा आया आप सल खतीब खतीबंता कितना बुरा खतीब है तू और फिर आपने यानी उसको एक तो गुस्सा निकाला व इन न कला खुलूक नावीन लेकिन इमामदीन भी हैं ये डांटा है तो डांटा है उसके बावजूद इतना लोग जो है शेर की तरफ जा रहे हैं ना डांटा होता तो क्या कर रहे होते हैं आप फरमाया तुम कहो मैं आसिल्ला व रसूल फकत गवा जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो गुमराह हुआ तुमने ये क्यों कहा कि इन दोनों की करे वो आगे से कह सकता था यारसुल्ला मैंने कोई आपको अल्लाह मान के तो नहीं किया मैं आपको अल्लाह का बंदा ही समझता हूँ आपको मैं गैर मुस्तकिल समझता हूँ वही कहानियां है है, जो कर जो अभी भी कराते रहे अपने किसी जमाने उस जमाने में कहानियां नहीं थी आपने कैटागोरिकली के फरमाया कि तू क्या अल्लाह और उसके रसूल की ना फरमानी ये ना कह इन दोनों की हालांकि वो को गलत नहीं था पहले वो कह चुका था अल्लाह और उसका रसूल स्टार्ट से ही दोनों कहता फिर तो गलत होता लेकिन नबीलाम ने एहतियात का यह पहलू रखा और अबू में इसका एक तरीका है उसमें आगे अल्फाज है आपने फम उठ और इधर से निकल इतना गुस्सा हालांकि आपके अखलाकियात इस चीज के मुतकाजी थे कि आप इस तरीके से एटीट्यूड ना करते लेकिन तोहहीद का मसला सेंसिटिव है आप जरा से भी ढीले पड़ते ना उम्म ने काम चुक के रखना सी वो ने इतना चुके है सही बुहारी में अधीस है देखना है मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह नसारा ने अपने मरियम को बढ़ा के डिविटी में क्लेम कर दिया फिर भी कौम बाज नहीं आती क्या ज़मीन वसमान की किलाबें मिलाती है मैं मुफ्ती मुनीबरमान साहब के पास बैठा हुआ था बाईस मार्च दो हज़ार सात की बात है आलमोस्ट तेरह साल पहले तो मुझसे फरमाने लगे कि मैं तो नाथ खानों की मजरस में जाना अब छोड़ गया हूँ ये शिरकियाँ नाते पढ़ते हैं बेहरान हो गया जी मुफ्ती मुनीफ साहब कह रहे हैं शिरकियाँ पढ़ते हैं वो किड़ा इन्ना वड्डा शिरक है एड्डा मोटा गाढ़ा शिरक जरा मुफ्ती साहब नजर आ रहा है तो कहते हैं ये देखो ना ये पढ़ते हैं खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता तो इनको शर्म नहीं आती है ये शान उलूत और शान रसालत का मुकाबला करवाते हैं अल्फाज देखें यह क्या रसुल्ला बात सुन सुन सकते हैं कि खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता सर पकड़ता भी खुदा है छुड़ाता भी खुदा है जरिया किसी को बनाता है और उसको भी इज़्ज़त देता है अपनी इजाजत से इसीलिए कुरान में बार बार है शफ़ात भी अल्लाह की है मंजल्लास नहीं है बिल इजन है ये इस तरह के जुमले बोलना फिर इसको कहना देखें ना जी वो क्या उन दिन लोग पकड़े जाएंगे तो हजूर छुड़वा लेंगे सर वो ये आप इस्लाम के सामने जरा बात करके देखें इस्लाम क्या धौस से छुड़वाएंगे इस तरह के जुमले बोलना यहां देख लें इस्लाम ने उसको यह भी नहीं कहने दिया कि जिसने इन दोनों की नाफरमानी की इसको कहते हैं मिजाज रसूल सल्ला इससे भी अगला वर्जन ले लें मुस्न दिबा अहमद में हदीस है नबी इस्लाम से एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह माशा वशिक था अल्लाह के रसूल जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे हमारे तो जनाब बसों के पीछे लिखा होता है अल्लाह नबी वारस तो नबी इस्लाम फरमाया अजालतनी लिल्ला ही निदा क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पे निद बना दिया खड़ा कर दिया कुल बल माशा वाह बल्कि क्या जो अकेला अल्लाह चाहे वो आगे कह सकता था यारसल्लाह मैं आपको अल्लाह तो नहीं मानता को अभी तो हजूर को अल्लाह नहीं मानता होगा यारसुल्ला मैंने यह कहा कि अल्लाह की मर्जी से ही आप भी चाह के वो एडी लंबी बना देने बढ़ा दे उस जमाने से कहानियां नहीं सुन पाई बिल्कुल चौबीस कैरेट सोना था अच्छा किताबों में आज भी है मैं एक बिरलवी आलिम के पास बैठा हुआ है हमारे झेलम की तीन मस्जिदों में वह जुमा पढ़ाते हैं यानी तीन जगह तकरीर करते हैं एक जगह जमात कराते हैं इतना उनको शौक है दीन की खिदमत करने का लेकिन तनख्वाह भी लेते हैं तीनों जगह से तो उनके सामने बैठा तो मैंने उनको यह हदीस बयान करनी शुरू की ना अभी मैं सिर्फ इधर पहुंचा ना अजाल तनी लिदा तो कहते हैं जी और मिर्जा साहब आपने क्या समझा इसको मैंने कहा जी आप समझाएं वो कहते हैं असल में हुजूर पूछ रहे थे देखो मुझे तुमने अल्लाह तो नहीं बना लिया ना ना कहीं अगर अल्लाह नहीं बनाया फिर ये कह सकते हो अल्लाह हुआ शिता जो अल्लाह चाहे जो उसका रसूल चाहे मैं कह सर अगे सुनते लो अगे अल्फाज ने कुल बल माशाला वाह बल्कि क्या अकेला जो अल्लाह चाहे तो हदीस ने अपनी हिफाजत कर दी हजूर ये नहीं पूछ रहे थे कि भाई अगर अल्लाह बन के कर रहे हो तो ना कहा करो अगर मुझे मखलूक समझ के कह रहे हो तो फिर कह दिया करो कि जो अल्लाह की मर्जी और जो उसके रसूल की मर्जी लेकिन एक एक्सेप्शन है यहां पर जब दीन का मसला कोई आएगा ना तो हम यही कहेंगे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं क्योंकि दीन कौन सिखाता है पैगंबर लेकिन जो तकवीनी अमूर हैं जो तकदीर से ताल्लुक रखते हैं वो अल्लाह के साथ खास है साहब क़राम जिस मामले में दीन के कोई बात नहीं समझ आती थी कहते थे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं वो अल्लाह रसूल हुआ आलम क्योंकि दीन तो रसुल्ला नहीं सिखाना है ना बुखारी मुस्लिम दोनों में अदीस है अल्लाह तला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक अता फरमा देता है समझ बूझ और देता अल्लाह है मैं तो सिर्फ तकसीम करता हूं नबीलाम ने कहा ये जो दीन भी मैं सिखा रहा हूं ना ये मैं अपनी कोई बात नहीं सिखा रहा अल्लाह मुझे देता है इसी को पकड़ के फिर वाला हजरत ने शेर कह दिया ना रब है ये है कासिम रिस्क उसका है खिलाते ये हैं वो कहते हैं ये रिस्क भी रसुल्ला तकसीम कर रहे हैं हालांकि इसमें दीन की बात हुई थी आधी बात पकड़ ली और वो आप देखें अदीस भी आधी लिखी होती है वल्लाहु मअती व अनका पीछे भी कुछ अल्फाज ने और इसमें माम बुहारी ने बाप बांधा है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझेता फरमा देता यह दीन के मामले में है बाकी मामला में आप ये नहीं कह सकते जो अल्लाह चाहे और जो उसका रसूल चाहे नहीं जो अल्लाह चाहे इसलिए देखें हमारी ट्रेडिशन में भी अल्लाह का शिक्र है यही चीजें हम किसी चीज को भी नजर से बचाने के लिए क्या कहते हैं माशाला किसी ने आज तक क्या माशाला व रसूल मुस्तकबिल के लिए इरादा करते हैं तो हम क्या कहते हैं इन किसी ने कहा है कभी इंशाला व रसूल ट्रेडिशन में किताबों में हर चीज़ अपनी जगह सही फिट हुई हुई है हाँ बाकी फिर जब इसमें खराबियां आना शुरू होती हैं तो फिर आप देखें इसमें तो फिर वो पीर को भी बीच में डाल लेते हैं कई लोग हैं वो अपने कई एक दुनियावी मामला में भी कहते हैं जी पहले मैं पीर साहब से मशवरा करूंगा फिर मैं इसके मुताबिक चलूंगा ये उनकी यानी एक गिरावट का लेवल होता है तो ये हज़रत सैद मरियम ने उम्मत को अक़दा दे दिया है अपनी मानने वालों को भी और हमें भी हम भी उनके मानने वाले हैं कि आपने यही कहना है कि अल्लाह जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब वज देता है आप जब हज़रत जक्री अल्लाम ने बात सुनी ना सर देखें नालिका दा रब्बा एन उसी वक्त उसी जगह पर देर एंड देन अरबी में इस्तेमाल होता है उसी वक्त उसी जगह पर दुआ कर दी उन्होंने कौला रबी हबली तयबा रब मेरे मुझे अपने पास से एक पाकीज़ा औलाद फरमा अताफरमा इन बेशक तू दुआओं का सुनने वाला है सूरह मरियम में तो डिटेल है कि वो पूरी तमीद बनाते हैं कि मुझे एक औलाद चाहिए जो औलाद याकूब की वारिस बने यानी बनी इसराइल की और ये ये जो मैं हैकले सलमानी की देखभाल कर रहा हूँ तो मुझे भी एक अपना एक गदी नशीन आप समझ लें खानक नशीन ये लेकिन अल्लाह की खानका जिसके लिए हम खानका का, का लफ्ज़ अपनी उम्मत में दार अरकम हम इस अकेडमी को दार अरकम कहते हैं क्योंकि तो नबीसलाम को जब ये लोग ये लोग कौन जिनकी औलादें आज दीन का काम नहीं हमें करने देती इनके बावजाद जब खुलेआम दावत व तबलीग नहीं करने देते थे तो नबी इस्माम दार अरकम में बैठ के तो लोगों को दीन सिखाया करते थे इसलिए हमने अपनी इस अकेडमी का नाम दार अरकम रखा हुआ है इस एतबार से तो खानका का लफ्ज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो चुके काफी हो चूँकि अब काफ़ी बदनाम हो चुका है तसव्वुफ़ की वजह से इसलिए दार अरकम फिर जब हमारे नबी की सुन्नत दार अरकम है तो हम क्यों हैकल का लफ्ज़ या महबद का लफ्ज़ इस्तेमाल करें हमें वही टर्म्स यूज़ करनी चाहिए इबादत गाह के लिए मस्जिद की टर्म इसीलिए हमने मुस्लिम की टर्म भी आम की है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी मैं हूँ मुस्लिम इलमी किताबी अब सारी वो टर्मनोलॉजीज यूज़ करें जो कुरान और सुन्नत के अंदर आई हैं फ़खर के साथ करें मुस्लिम मस्जिद ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करें हाँ अबतः इसमें ग़लू नहीं होना चाहिए जैसे जमातुलमुसलम वाले हैं वो कहते हैं नमाज का लफ्ज़ आप ना यूज़ करें ज़ाहिर है कि जब आप कुछ चीज़ें रिनाउंड हो जाती हैं वहाँ पर भी सलाह का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करें मैं प्रेफरेबली यही कहता हूँ सलाह का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए लेकिन अगर कोई उसको तर्जमे के तौर पर यूज़ कर लेता है ना मुस्लिम का तर्जा मुसलमान कर लेता है ठीक है इख्तलाफ वहाँ क्या करें जहाँ औरिजनल बात का तर्जमा करने के बजाय कोई नई बात दाखिल कर दी जाए मुस्लिम की जगह अगर कोई मुसलमान यूज़ करता है ना तो उसका तर्जमा कर रहा है फारसी में को नई टर्म नहीं याद कर रहा लेकिन मुस्लिम की जगह जब वाले शिया आता है ना ये नई चीज है ये ये कोई भी नहीं मानेगा कि मुसलमान का मुस्लिम का तर्जमा ये हुआ है सलाह का तर्जमा सारे नमाज मानते हैं कि नमाज है लेकिन कवाली इसको कोई नहीं मानेगा कि ये सलाह का तर्जमा हुआ है ठीक है तो अगर ओरिजिनल टर्म को समझाने जिसना अल्लाह के लिए गॉड का लफ्ज यूज कर लें सुप्रीम बींग का लफ्ज इस्तेमाल कर लें किसी को समझाने के लिए तो ये यह की हद तक दुरुस्त है तो अल्लाह ताला से उन्होंने जब दुआ की तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ दी गई फनादतुलमला तो इकतुआ हुआ क़ौ इमुराब नमाज़ पढ़ रहे थे हज़रत जक्री इस्लाम महराब में खड़े होकर तो फ़रिश्ते की तरफ से निदा आई कि दुआ कबूल हुई है और उसके ऊपर बिशारत आ रही है अच्छा ये दुआ भी याद रखें जिसके हाँ औलाद नहीं और खूस ओलाद नरीना नहीं है तो ये दुआ बड़ी कारगर है और दूसरा ये कि बिल्कुल मायूसी के आखिरी लेवल पर भी पहुँचे हों तो अल्लाह के साथ दुआ वाला मामला कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए और जक्रीम को ये बात क्लिक गई कि वो अल्लाह जो बग़ैर मौसमी फल मरियम को दे सकता है तो मुझे इस बुढ़ापे के अंदर औलाद भी दे है ये उन्होंने इज्तहाद किया इस तरह का इजतहाद किया करें बिल्कुल उलट इजहाद ना कर लें मुसद्दिकम बिकलिमतिम मिन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला आपको खुशखबरी देता है एक बच्चे की जिसका नाम यहया होगा और सूरह मरियम में आता है इस नाम का पहले कोई बच्चा नहीं था अल्लाह ने खुद नाम रख दिया तस्दीक करने वाला एक अल्लाह के खास कलमे की अभी हज़रत िय भी नहीं पता कि यह कलमा कौन होगा ईसा मरियम क्योंकि वह तो पैदा नहीं हुए थे तो कहा कि तेरा वो बच्चा पैदा होने वाला है जो अपने वक्त के सबसे अजीम शान इंसान और इंसानी तारीख में एक बहुत बड़े पैगंबर की तस्दीक करने वाला पैगंबर होगा हजरत ईसा की मिन अल्लाह की तरफ से जो कलमा होगा वह सयूरऊ व नबीयम और वो सरदार होगा और औरतों से हमेशा बचने वाला और अम्बिया में से और साल में से होगा सारी क्वालिटीज़ अल्लाह तौर ने गिनवा दी हैं औरतों से बचने वाला बाल लोग को ये समझे कि शायद वो कोई नाउजुबिल्ला उनमें कोई मर्दाना सिफात नहीं थी ऐसा नहीं है यानी उनकी ये क्वालिटी थी कि वो दुनिया से बहुत जौद की ज़िंदगी थी उनकी यकीन करें हज़र जक्री के इस बेटे या बिन जकरिया के अगर आप वहात पढ़ें तो इंसान परेशान हो जाता है कि इतनी छोटी उम्र में उनको अल्लाह ने क्या धनाई क्या जोह दिया था इसराइली रवायतों में कई एक वाक़ हज़रत यहीाम के बारे में मिलते हैं तो अल्लाह ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया ऐर गैबी ख़बर दे दी कि वो औरतों से बचने वाला और सरदार वाकई सरदार कैलाने का हक़दार इंसानियत को लीड करने वाला और नबियों में से और साल में से होगा ये बिशारत उनको मिली इसके बाद हज़रत ज़क़रिया इस्लाम ने कुछ बातें अल्लाह ताला से की वो इन अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो बड़ी इंटरेस्टिंग गुफगू है और ये यानी कुरान हकीम का एक बड़ा अहम तरीन मुकाम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे करने को तो मैं पचास आयात भी कवर कर देता लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी कुरान क्लास रिकॉर्ड करवाऊँ कि जो आज के दौर की हो हमारे इशूज़ को सेटल करती हो बाकी तो तर्जमे हुए हैं मेरे नज़दीक तो तर्जमा भी बहुत होता है लेकिन अगर तफसीर करनी है फिर निटिग्रिटीज़ को डिस्कस करना मौजूदा दौर के सारे अख्तलाफा को डिस्कस करना ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अल्लाह तला से दुआए जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताली हमारे दिलों में रासिक फ़रमाए अगर जज्बा में मेरे मुँह से गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताली हमारे दिलों ही से उसे माफ़ कर दे

जज़ा हमारा वीडियो बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने हजरत जकरिया सलाम और उनके बेटे के बारे में बताया हज़रत मरियम मरीम सलाम के बारे में बताया एक एक जो रिस्क का टॉपिक है जो रिस्क आपके पास कैसे आता है बेमौसम फल आए हुए हैं हज़रत मरियम मरीम सलाम के पास उनके पास फल है बे फल मतलब आप सोचो सर्दियों में आम आए हुए हैं ऐसे समझ लो तो रिस्क की टेंशन रिस्क की टेंशन तो लेनी चाहिए लेनी ही नहीं चाहिए पहली बात तो एंड अल्लाह ही रिस्क देने वाले हैं अल्लाह ही सबकी मुश्किल दूर करने वाले हैं अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता नहीं। है इस बारे में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया मुझे समझ में बहुत अच्छा लगा ये वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में सो गाइस थैंक यू सो मच